पास जाएगी, सब सारे स्टूडेंट्स को देंगे। एक्चुअली 5 मिनट की वीडियो है, 5 मिनट की रहेगी, 5-7 मिनट की उसी को, ठीक है। हाँ कर लीजिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ भाई, सेकेंड ईयर, BSc सेकेंड ईयर। देखिए, एक चीज आप लोगों को बताना है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस टाइम कोविड के वजह से थोड़ा सा आपका जो पैटर्न है, पेपर पैटर्न, वो थोड़ा सा चेंज हो गया है ना। तो उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। जैसे कि यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये BSc सेकेंड ईयर का ही बताया जा रहा है, ठीक है ना, और वो भी स्पेशली 2020 से लेकर 21 तक, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा जरा, जब आप लोगों को सिलेबस करवाया गया था तो यूनिवर्सिटी की तरफ से सिर्फ और सिर्फ 70% सिलेबस ही करवाना था, एम आई राइट? तो मतलब जो आपका पेपर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ 70% में से ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी आ जाता है 100% में से, आप लोग तैयारी तो हालांकि पूरी करके ही जाइएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है 100% उसमें से, तो अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग अपने यूनिवर्सिटी में बोलिएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, अगर हो जाता है आप लोग 70% तैयार करके जाएं, ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा जरा, आप लोगों का पेपर पैटर्न होगा कैसे। आप लोग अब तक हम लोग क्या करते थे इस कोविड से पहले, कि आपके पास दो पार्ट होते थे, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड, ठीक है ना। इस पार्ट फर्स्ट में यहाँ पर जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते थे वो हुआ करते थे 9 या 10, कितने, 9 या 10। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है 9 और 10 कैसे थे, तो आप लोग जानते हैं जूलॉजी में जो पेपर फर्स्ट और सेकंड होता है, ठीक है, वो 33 मार्क्स का होता है। कितने का होता है, 33 मार्क्स का होता है। तो 33 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन 9 आते हैं, लेकिन जो आपका जूलॉजी में पेपर थर्ड हो जाता है, ये हो जाता है 34 मार्क्स का, ठीक है ना। तो 34 मार्क्स के में आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे वो हो जाएंगे उनके नंबर 10, ठीक है ना। तो उसमें कितने आएंगे क्वेश्चन, 10 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, याद रखने वाली बात है, ठीक है। अब हम लोग बात करें अगर पार्ट अपने सेकंड के, तो पार्ट सेकंड जो है उसको हम डिवाइड करते थे सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में, जैसे आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया गया था, ठीक है। तो अब तक क्या करते थे कि हर एक में से एक एक क्वेश्चन करना होता था, इसमें से एक क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन और इसमें से एक क्वेश्चन, ठीक, और इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन, इस तरह से टोटल 4 क्वेश्चन करने होते थे। बट अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों के में 2020-21 तक में सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चंस ही आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं, उससे ज्यादा नहीं करने, ठीक है। याद रखिएगा क्लास, आप लोगों के में 2020-21 तक का जो सेशन है उसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन ही हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। इसका जो टाइमिंग रहेगा वो होगा आपका 1.5 घंटे का, मतलब 1.5 आवर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटे का टाइमिंग आप लोगों को मिलेगा। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, अब चूंकि आप लोग जानते हैं 1.5 घंटे का टाइमिंग है, इसीलिए आपके क्वेश्चन के जो नंबर है वो भी कम कर दिए गए, ठीक है। तो अब क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर पार्ट फर्स्ट है, ठीक, पार्ट फर्स्ट में जो भी ये क्वेश्चन दे रखे हैं 9 और 10 जो भी है, व्हाटएवर, ये क्वेश्चन नंबर 1 माना जाएगा, ठीक, क्वेश्चन नंबर 1। पार्ट सेकंड के सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, आफ्टर दैट सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7, आफ्टर दैट सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10, ठीक। तो इन 10 क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन ही करने हैं, उससे ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक, इसमें आपके में 3 क्वेश्चन दे दिए गए हैं शॉर्ट नोट ऑन, ये 3 टॉपिक पर आपको देने हैं, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्वेश्चन को आपको जवाब देना पड़ेगा। तो आप लोग जानते ही आफ्टर ऑल सेकेंड ईयर में है, तो अब क्या करना है आप लोगों को, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन के जवाब देने हैं, ठीक। अच्छा, एक खास बात और समझिएगा सेकेंड ईयर, कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का टाइमिंग जो है सिर्फ 1.5 घंटे का है, ठीक है, तो आपके पास 2 पेपर 1 दिन में होंगे। 1 पेपर कितने दिन में हो जाएंगे, 1 दिन में 2 पेपर होंगे, ठीक है, 1.5 घंटे का, 1.5 घंटे का, बीच में कोई भी गैप नहीं होगा क्लास। तो देखा जाए
3 घंटे में 2 पेपर आप लोग कर रहे हैं अपने, ठीक है। इसमें से अगर आप लोगों को पानी भी पीना है तो वो भी आप लोगों का आप ही का टाइम में से कट होगा, ठीक है। उसके लिए स्पेशल टाइम नहीं दिया जाएगा। एक पेपर के बाद सेकंड पेपर डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, कंटिन्यू में है आप लोगों को, याद रखिएगा। तो जूलॉजी के दोनों पेपर एक साथ होंगे और तीसरा पेपर जो रह जाता है वो किसी और पेपर के साथ होगा। तो इस तरह से आप लोगों का पूरा पैटर्न रहेगा क्लास, याद रखिएगा। फिर से आपको मैं अपनी बात रिपीट कर रही हूँ, आपके पास 10 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, 9 या 10। आफ्टर दैट ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। 10 क्वेश्चंस में से सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं, उससे ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। कोई भी परेशानी है तो आप लोग कॉलेज में आके फिर बात कर सकते हैं, ठीक है।